रामपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 रामपुर और 2 मुरादाबाद के रहने वाले हैं। रामपुर पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने प्रेस वार्ता करके मामले का खुलासा किया। रामपुर पुलिस की चुनाव में मिली अब तक की तीसरी बड़ी कामयाबी है। कार्रवाई के दौरान 6 तमंचे, 12 बोर के 3 अधबने और 16 जिंदा कारतूसों सहित तमंचे बनाने का सामान बरामद किया। मीणा ने पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। रामपुर पुलिस के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा हुआ है। उसी के तहत आज टांडा पुलिस और हमारी जो स्वाट पुलिस है उसके द्वारा एक अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लगभग 10 तमंचे बने हुए, कुछ अगबने, कुछ पौनियाँ और उनके बनाने का उपकरण पुलिस को प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये लोग अवैध असला फैक्ट्री बनाते हुए पकड़े गए थे। इनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो हमारी टीम है उसको 5,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा दिया जा रहा है और निश्चित रूप से हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।